राष्ट्रीय राजधानी में अगले 4 दिनों के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। इस मॉनसून सीजन में पंजाब से हिमाचल तक बारिश का कहर जारी है। आईएमडी ने अनेक राज्यों में वर्षा की संभावना जताई है। कपूरथाला और गुरदासपुर से मिले समाचारों के अनुसार सेना और एनडीआरएफ के दलों ने गुरुवार को पंजाब के कपूरथाला जिले में बाढ़ग्रस्त गांव से लगभग 300 लोगों को बचाया है। कपूरथाला के उपायुक्त करनैल सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ और सेना की 6 टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए 6 नौकाएं लगाई है और निकाले गए सभी लोगों को राहत शिविरों में भेज दिया गया है। शिमला से मिले समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिव मंदिर के मलबे से एक और शव बरामद होने और चंबा जिले में 2 और लोगों की मौत होने के बाद प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 74 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिमला में ही 3 जगहों समर हिल में स्थित शिव मंदिर का, फागली और कृष्णनगर में भूस्खलन की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है। मंदिर के मलबे में अब भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र के अनुसार चंबा जिले में बारिश से संबंधित 2 मौतों की सूचना मिली है, जिसके बाद पिछले 4 दिनों में प्रदेश में जान गंवाने वालों की संख्या 74 हो गई है। प्रदेश में बीते 3 दिनों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई, जो रविवार को शुरू हुई। मंगलवार के बाद बारिश कम हुई। गुरुवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। आज के मौसम की संभावित गतिविधि स्काईमेट के अनुसार आज शुक्रवार को गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व भारत और गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर की बारिश हो सकती है।